नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोविड 19 से लड़ाई के जज्बे को बढ़ाने के लिए कोरोना वॉरियर से विनर कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम में आयोजित की जा रही खेल स्पर्धाएं। मुख्यमंत्री ने आज वॉकाथॉन और बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी जिले के जयहरीखाल ब्लॉक में भैरवगढ़ी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का किया लोकार्पण। कहा, योजना से इलाके के 75 गांव और तो को मिलेगा पानी। मत्स्य एवं पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा, प्रदेश में कड़ी संख्या में मत्स्य पालन को अपना रहे लोग। मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कर रही प्रयास। नगर जिला प्रशासन ने पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराए कृषि उपकरण। पराली के गट्ठों की बिक्री को दिया जा रहा बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहल पर समाज में कोविड 19 से लड़ाई के जज्बे को बढ़ाने के लिए कोरोना वॉरियर से विनर कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने आज कोरोना विनर्स के लिए वॉकाथॉन और बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने वॉकाथॉन को फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कोरोना से ठीक हुए लोगों के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जाती थी, लेकिन अब यही कोरोना विनर्स इस लड़ाई में हम सभी का हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना विनर्स के लिए आयोजित इन कार्यक्रमों से निश्चित रूप से समाज में कोविड 19 को लेकर और अधिक जागरूकता आएगी। जितने भी कोरोना विनर, पहले हमने जो वॉरियर्स हैं उनके मनोबल बढ़ाने का काम किया। आज जो कोरोना विनर है वो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अब वो उल्टा हो रहा है, वो मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी सोच के साथ पूरे राज्य में चाहे खेल हो, दौड़ हो, लेख प्रतियोगिता हो, ऐसे तमाम तरह के किसी के एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं, पेशेंट्स के अनुभव हैं अपने, उनका पूरा एक तरह से संग्रहित किया जा रहा है उनके अनुभवों को। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है, लेकिन अब और अधिक सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने कोरोना विनर्स के साथ बैडमिंटन मैच भी खेला। कोरोना वॉरियर से विनर कार्यक्रम में कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए कई खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई हैं। महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने लोगों से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर शुरू किए गए जन आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एसएमएस यानी सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाकर कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 8 अक्टूबर से कोरोना के विरुद्ध एक जन आंदोलन की शुरुआत की गई है। हम सबको इससे दिल से जुड़ना है और अपने व्यवहार को कोरोना के अनुरूप बनाना है। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अब कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है? एसएमएस, आप सभी जानते हैं, हम सभी एसएमएस भेजते हैं, उस हिसाब से भी आप इसको याद कर रख सकते हैं। एस माने सैनिटाइजेशन, अपने हाथ बार बार धोते रहिए, सैनिटाइज करके रखिए अपने आसपास की चीजों को, अपने ऑफिस को, अपने सामान को, अपने हाथों को। दूसरा मास्क, एम मास्क पहनिए हमेशा। और तीसरा एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बना कर रखिए, कम से कम 2 गज की दूरी बनी रहे तो हम जल्दी से संक्रमित नहीं होंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पौड़ी जिले के जयहरीखाल ब्लॉक में 64,86,00,000 रुपए की लागत से तैयार भैरवगढ़ी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से इलाके के 75 गांव और तोक को पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि साल 2006 में इस योजना का शिलान्यास किया गया था, जिसे राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया है। इस दौरान उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नियमित भर्तियों के साथ ही स्वरोजगार के अवसर भी दे रही है। उन्होंने युवाओं से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना समेत मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने को कहा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विकासखंड कार्यालय भवन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने रेवा पंपिंग योजना समेत बाढ़ सुरक्षा कार्यों को स्वीकृति देने और नैनी डांडा में विद्युत खंड खोलने की भी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने कंडोलिया में गुलदार रेस्क्यू सेंटर को भी मंजूरी दी। मत्स्य एवं पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालकों को किसान का दर्जा दिया है और उनकी आय बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलौर के सैदपुरा गांव में आयोजित मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की संगोष्ठी में मत्स्य एवं पशुपालन राज्य मंत्री ने कहा कि मछली पालन की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है और आज पूरे प्रदेश में करीब 20,000 मत्स्य पालक हैं। इस व्यवसाय में कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जाता है। उन्होंने मत्स्य पालकों के तालाबों का निरीक्षण भी किया। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मत्स्य पालकों को किसान का दर्जा देना, किसान क्रेडिट कार्ड देना, मत्स्य संपदा में उनके तालाबों का सुदृढ़ीकरण करना, मत्स्य पालकों को हम किस प्रकार से सशक्त कर सकते हैं, उस दिशा में हमारे प्रयास जा रहे हैं। निश्चित रूप से आज की तारीख में हमारा जो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है वो भी, और जो आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति है वो भी, दोनों ही इस व्यवसाय के प्रति उनका रुझान बढ़ा है। और हमारे मत्स्य पालक आज की तारीख में पहले हुआ करते थे 7 से 8 हजार की संख्या में, आज से 2017 से पहले, आज हमारे पूरे प्रदेश भर में जो है 20,000 के आसपास हमारे मत्स्य पालक है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत रिस्पना और बिंदाल नदी के लिए अनुमानित 63 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया। रिस्पना और बिंदाल नदी पर होने वाले कार्यों में 177 नालों और रिस्पना नदी के तटवर्ती घरों के करीब 2,900 सीवर पाइपों को टैप कर शोधन करना शामिल है। ये कार्य नमामि गंगे योजना के तहत किए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्मल और अविरल गंगा के सपने को उत्तराखंड आने वाले 4 महीनों में पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि 135 नाले जो गंगा में गिरते थे उनमें से 128 नाले टैप किए जा चुके हैं, जबकि शेष 7 नाले भी जल्द टैप किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही सौंग बांध का शिलान्यास भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बलबीर रोड पर रैन बसेरे का उद्घाटन किया। उन्होंने राजपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सड़कों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपये देने की घोषणा भी की। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को 80% अनुदान पर बेलर, सुपर सीडलर और मल्चर जैसे उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इन कृषि यंत्रों के उपयोग से पराली के गड्ढों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन पेपर मिलों से तालमेल बनाने का प्रयास कर रहा है। इससे किसानों की आमदनी होगी और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण लगेगा। जो पराली जलाने से प्रदूषण की समस्या होती है तो उसमें जो हमारे स्वयं सहायता समूह है, महिला स्वयं सहायता समूह, उनको हमने जिला योजना अंतर्गत कृषि विभाग के माध्यम से 80% सब्सिडी पे बेलर, सुपर सीडर, मल्चर, इस तरह के उपकरण उपलब्ध कराए हैं, ताकि जो ये पराली है इसको ये इसके बेल्स बनाकर और ये इसको आगे विक्रय कर सकें। इसके लिए जो हमारे पेपर मिल्स हैं इनके साथ हमने वार्ता करी है और हम जल्दी इनके बीच में एग्रीमेंट करा के ये पेपर मिल में ये बेल्स को ये सेल कर पाएंगे और इससे उनकी आय में वृद्धि भी होगी और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण भी होगा। किसानों ने जिला प्रशासन की पहल का स्वागत किया है। ग्राम मलसी निवासी किसान जसवीर सिंह का कहना है कि पहले धान की कटाई के बाद पराली जला दी जाती थी जिससे प्रदूषण होता था, लेकिन अनुदान पर कृषि यंत्र मिलने से न सिर्फ ये प्रदूषण खत्म होगा बल्कि अगली फसल की बिजाई में भी फायदा होगा। और बेलर से पहले हम प्याल का गठा बांध देता है, वो उसके बाद वो प्याल हमारा बिक जाएगा, उसके बाद हम मल्चर चलाकर जो बचे अवशेष हैं प्याल के वो छोटे छोटे भागों में उसको बांट देगा, उसको कटिंग कर देगा उसकी, उसके बाद हम सुपर सीडल से सीधी बिजाई करेंगे, जिससे एक तो हमारा प्याल खेत में ही चला जाएगा अंदर, जिससे खाद की मात्रा डीएपी वगैरह बढ़ेगी और ऊपर हमें यूरिया वगैरह भी कम देनी पड़ेगी, और सीधी बिजाई से हमारे को पैसों की भी बचत होगी जिसमें इसमें हमारा वातावरण भी हमारा प्रदूषण। स्वयं सहायता समूह के सदस्य रुपिंदर कौर का कहना है कि 80% अनुदान पर बेलर, मर्चर और सुपर सीडलर मिलने से समूह को फायदा हो रहा है। हमें 80% अनुदान पे सुपर सीडर और बेलर, मर्चर मिले हुए हैं।
और ये हमारे समूह को भी फायदा करेगा और इसे हम दूसरी जगह पे किराए पे देंगे और किराए पे देने से हमारी समूह की आमदनी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश के पहले फुल वर्चुअल होम स्कूल ग्लोबल सीज इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। उत्तराखंड से संचालित होने वाले इस इंस्टीट्यूट के जरिए भारतीय ज्ञान परंपरा, वैदिक गणित, विज्ञान और भारतीय शास्त्रीय संगीत, संस्कृति, कला और परंपराओं को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। अब संस्कृत को भी कैम्ब्रिज बोर्ड से एफिलिएटेड विश्व भर के स्कूल पढ़ा सकेंगे। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया कि होम स्कूलिंग में परीक्षाएं तनाव मुक्त होती हैं। हरिद्वार में गंगा बंदी के बाद जिलाधिकारी सी रविशंकर ने हर की पैड़ी का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के तहत हरिद्वार में सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है। सभी एसटीपी स्टेशन भी अब पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। इससे गंगा के प्रदूषण में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि अब भी कुछ नाले ओवरफ्लो होने के कारण गंगा में गंदगी गिरा रहे हैं। इसके लिए कार्य योजना बना ली गई है। जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एसटीपीस का जो है लोकार्पण किया गया है। ये एसटीपीस आने के कारण जो है हमें बहुत बड़ा एक राहत जो है पूरा एंटायर हरिद्वार जनपद और इस एरिया का जो है मिला है, जिसके वजह से पोल्यूशन जो है काफ़ी हद तक जो है रिड्यूस हो गया है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ पॉइंट्स ऐसा पॉइंट्स जो है मीटिंग में भी संज्ञान में आया था कि जिसमें जो है अभी टैपिंग होना बाकी है, जिसमें जो है अभी फिलहाल 4 करोड़ के आसपास जो है वो एस्टिमेशन भेजा गया है, उसका अभी स्वीकृत होने का अभी प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि गंगा के नजदीक होने वाले निर्माण कार्यों के दौरान नालों में एकत्रित होने वाली गंदगी को मशीन के माध्यम से इकट्ठा कर लिया जाएगा और गंदगी को मशीनों से खींचकर अन्यत्र डाल दिया जाएगा ताकि गंगा में गंदगी न जा सके। और अब बात अयोध्या की, जहां शनिवार शाम को फिल्मी सितारों द्वारा अभिनीत रामलीला की शुरुआत हो गई। दूरदर्शन पर हर रोज इस रामलीला का प्रसारण किया जा रहा है। रामलीला 25 अक्टूबर तक शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक प्रसारित की जाएगी। कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के चलते रामलीला के दौरान दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर इसका सजीव प्रसारण दुनिया भर में देखा जा सकेगा। बहुत से फिल्मी कलाकार इस रामलीला में अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने के साथ ही इस बार यहां के हर पर्व का अलग ही नजारा है। इस बार यहां की रामलीला का स्वरूप भी बेहद भव्य नजर आ रहा है। शनिवार को रामलीला का रंगारंग आगाज हुआ। रामलीला के पहले दिन शिव पार्वती संवाद और नारद मुख का मंचन किया गया। इस मौके पर दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि दूरदर्शन इसका सजीव प्रसारण कर रहा है, जो कि राम भक्तों के लिए अद्भुत अनुभव होगा। आज की ये जो रामलीला है, ये अयोध्या की रामलीला पूरे विश्व की रामलीला बन जाएगी और दूरदर्शन पे या 7 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रतिदिन आज से लेकर 25 तारीख तक दूरदर्शन का जो सबसे बड़ा चैनल है डीडी नेशनल, उस पर यह लाइव जाएगी और जो लोग यदि इसको मिस कर देंगे वो अगले दिन सुबह डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और उसके बाद फिर रिपीट टेलीकास्ट डीडी नेशनल पर दिन में 3 बजे से 6 बजे तक होगा। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 से लड़ाई के जज्बे को बढ़ाने के लिए कोरोना वॉरियर्स से विनर कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम में आयोजित की जा रही खेल स्पर्धाएं, मुख्यमंत्री ने आज वॉकाथॉन और बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी जिले के जयहरीखाल ब्लॉक में भैरवगढ़ी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का किया लोकार्पण। कहा, योजना से इलाके के 75 गांव और तोप को मिलेगा पानी। मत्स्य एवं पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा, प्रदेश में बड़ी संख्या में मत्स्य पालन को अपना रहे लोग। मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कर रही प्रयास। और ऊधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराए कृषि उपकरण। पराली के गट्ठों की बिक्री को दिया जा रहा बढ़ावा।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें और याद रखें कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।